नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से राम बिलास प्रजापति की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। बाप बना जल्लाद, 3 वर्षीय मासूम बेटी को फेंका उपंती नदी में। यूपी के संत कबीर नगर में दिल दहला देने वाला घटना सामने आ रही है, जब पिता से हैवान बने एक शख्स ने अपनी 3 वर्षीय मासूम बेटी को नदी में फेंक कर उसकी हत्या कर डाली। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पूरा मामला धनघटा थाना क्षेत्र के बिढ़ल घाट पुल का है, जहां डिहवा गांव का निवासी सरफराज ने अपने 3 वर्षीय मासूम बच्ची को घाघरा नदी में फेंक कर उसकी हत्या कर दी। घटना देर रात्र की है। स्थानिक लोगों के मुताबिक आरोपी पिता कुछ दिन पहले ही मुंबई से अपने गांव लौटा था। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने SDRF टीम को सूचना देने के साथ साथ स्थानीय गोताखोरों से नदी में फेंकी बच्ची के शव की तलाश में जुट गई है। पूरे मामले पर SP ब्रिजेश सिंह ने बताया कि पारिवारिक कलह के कारण आरोपी ने शराब के नशे में ये काम अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया, जिसकी जानकारी होने के बाद गोताखोरों से बच्चियों के शव को खोजा जा रहा है। साथ ही SDRF की टीम की मदद भी ली जा रही है। घर वालों ने रोका नहीं तुमको? नहीं। क्यों? दवा, मैं बोला दवा लेने जा रहा हूँ, उन लोग को लेके आए। धोखे से ले आए? बच्चे लेके चले गए, लेकिन बिजली ये जो मैं लेके आया है नदी में फेंक दिया। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है, नहीं पड़ता था बच्चों से या फैमिली में औरत से, मेरे नहीं पड़ता था, नहीं जमता था मेरा। और बाकी जहाँ कोई दिक्कत होता? वो बोला घर पे आके कि हमें चाकू लग गया है, बच्चों को कोई छीन ले गया। उसके बाद पता चला कि बाद में मलौली हॉस्पिटल ले गए, पता चला कुछ नहीं, इसे खरोच वगैरह कुछ था। फिर प्रशासन को बताया गया था, उसके पहले ही 112 नंबर और 108 भी बुलाई गई थी। तो मलौली हॉस्पिटल पे हम लोग पहुँचे, बहन को हमारे गाड़ी में बैठाए और उसके बाद बोले थाने पे आओ। फिर उनसे रात में पूछताछ हुई। तो आखिर क्यों, क्या कुछ मामला था इस तरह कि बाप ने जो है बच्चों की हत्या करने का मन बनाया, कि मामला क्या था पूरा? उनसे जब हम लोगों ने पूछा तो उनका कहना है कि बच्चे लायक नहीं थे, जबकि उम्र उनकी 7 साल से लेकर 3 साल है। सरफराज नाम का आदमी है, इसकी 2012 में शादी हुई। बता रहा है पारिवारिक कलह से नशे की हालत में अपने साथी की मदद से उसने मोटरसाइकिल से अपनी 3 बच्चियों को इसी नदी में डाल दिया है।